नैब मीडिया पर अपना मौकफ पेश करने का हक रखता है। कौमी असम्बली में डीजी नैब लाहौर के खिलाफ दायर तहरीक पर नैब तर्जमान का रद्द अमल सामने आया है। नैब मीडिया पर अपना मौकफ पेश करने का हक रखता है। कौमी असम्बली में डीजी नैब लाहौर के खिलाफ दायर तहरीक पर नैब तर्जमान का रद्द अमल सामने आया है। तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल, क्या रद्द अमल सामने आया है? राहिल से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि नैब मीडिया पर अपना मौका पेश करने का हक रखता है। कौमी असम्बली में डीजी नैब लाहौर के खिलाफ दायर तहरीक पर नैब तर्जमान ने यह रद्द अमल दिया है। नैब मीडिया पर अपना मौका पेश करने का मुकम्मल हक रखता है। जो भी कार्रवाइयाँ की हैं और जिस तरीके से नैब काम कर रही है, वो तमाम तर मौकफ उन्होंने पेश किया और इसके साथ साथ ये नैब का हक है कि वह अपना मौकफ मीडिया के सामने रखे। कौमी असम्बली में डीजी नैब लाहौर के खिलाफ दायर तहरीक पर नैब तर्जमान का रद्द अमल सामने आ चुका है। नैब मीडिया पर अपना मौकफ पेश करने का हक रखता है। कौमी असम्बली में डीजी नैब लाहौर के खिलाफ दायर तहरीक पर नैब तर्जमान का रद्द अमल सामने आया है।